हेलो फ्रेंड, वेलकम टू यूट्यूब चैनल कविता हिंदी चैप्टर। आप सबका स्वागत करते हैं, आशा करते हैं आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो आप लोग की तरह मैं भी काम ही कर रही थी और इतने दिन से टाइम ही नहीं मिल रहा था कि कुछ ब्लॉग में लेके आऊँ। तो चलिए आज की ब्लॉग है, शाम की बज रहे हैं 7 और चलिए अभी डिनर के टाइम होने वाले हैं, तो सोचे कुछ बना ले। तो क्या बनाने वाली, तो चलिए आप लोग को दिखाती हूँ। उससे पहले आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबा देना ताकि मुझसे जुड़ी वीडियो आप तक पहुँचे। तो चलिए, और आप लोग को मेरी वीडियो कैसे लगती है ये भी कॉमेंट में बता देना। तो चलिए मिलते हैं आगे। और क्या बनाने वाली है, तो मैं बनाने वाली हूँ पिज्जा, बहुत आसान बहुत सिंपल तरीके से। चलिए मिलते हैं आगे। पिज्जा के लिए सब्जी काटते हैं, टमाटर, शिमला मिर्च, मशरूम, कॉर्न और प्याज, और ये मैंने पिज्जा के लिए जो डो तैयार की थी वो है। तो चलिए दिखाती हैं आगे। तो मेरा डो तैयार हो गया, तो फिर मैंने बेल लिया था पिज्जा की रोटी। तो फिर मैं चम्मच के हिसाब से ये कर लिया ऐसे ऐसे, क्योंकि ये ऐसे कर देने से अच्छा होता है। तो फिर मैंने, मेरा पैन गर्म हो गया था, फिर मैंने उसमें डाल दिया। 5 मिनट तक स्टीम गैस पर छोड़ देंगे तो नीचे से अपना हल्का ब्राउन कलर हो जाएगा, तो देख सकते हैं आपको हो गया। तो इसी तरीके से मैंने सारे पिज्जा रोटी को बेल लिए थे तो और सेक लिए थे। तो अब बारी हमारी पिज्ज़ा तैयार करने की, तो चलिए देखते हैं। तो मैंने पिज्ज़ा सॉस बनाए थे घर पे, तो इस तरीके से लगा दिया। फिर सब्जी मैंने सारी जो दिखाया था वो डाल दिया अच्छे से। फिर इसके ऊपर डाला मैंने चीज़, तो चीज़ डाल के फिर पैन गर्म कर लिया। हल्का सा ऑयल लगाया था जिसके हिसाब से कि अंदर से करक ना, तो देख सकते हैं आप 5 मिनट के अंदर ढक के रख दिए थे सीम गैस पे, तो इस तरीके से बन गया था। और ये देखिए हमारा पिज्ज़ा तैयार हो गया। तो आप लोग बताइए कैसा दिख रहा है। ऐसे तो अच्छा लग रहा था, सब ने बोला अच्छा बना अच्छा बना। तो बारी थी अब हमारी, तो चलिए मैंने काट लिया। अब मैं खा के बताऊँगा आप लोग को कैसा बना है। तो ऐसे तो अच्छे बने, सब ने बोला है, तो पर मैं खुद देखूँगी ना तो फिर बताऊँगी खा के। तो चलिए पहले आप लोग खा लीजिए, ये लीजिए खा लीजिए, पहली बार बनाए हो, मतलब बोल नहीं सकती यार। 5 मिनट में मतलब इतना अच्छा मतलब बना लिया मैंने, बता नहीं सकती, खुद ही नहीं वो हो रहा था कि पहली बार बनाया। तो इसी तरीके से आप घर पे आराम से मतलब इस तरीके से बना सकते हो, सबसे आसान। तो चलिए मिलते हैं अगली ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।